सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो अंडर 50,000, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ASUS TUF F15। भाई इसके बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, एक महीना हो गया मेरे को यूज़ करते हुए, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग से शुरू करूँ तो भाई 150 वॉट में अडाप्टर देखने को मिलेगा, आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिलेगा जो भाई कोई नहीं पढ़ता, मैंने भी नहीं पढ़े, सब मैं आपको बताने वाला हूँ ना। और भाई आपको एक लैपटॉप देखने को मिलेगा, इसका बॉक्स भी बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भाई मैंने सिर्फ 50,000 रुपीज़ में लिया 8GB रैम वाला, मैंने भाई इसकी रैम अपग्रेड करा ली 16GB रैम में, उसकी वीडियो भी आएगी आगे, और वो मैंने सिर्फ 1500 रुपये में कराई है, तो भाई बेस्ट मेरे को डील मिल गई। सबसे पहले इसकी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बुरी चीज़ों के बारे में बढ़ेंगे, क्योंकि भाई अब IPL चल रहा है तो बढ़िया चीज़ें हो रही हैं, वैसे भाई बढ़िया चीज़ों से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले बहुत ही बढ़िया 144Hz की सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ आती है, सीडीज की स्पीड से आपकी भाई गेमिंग में बहुत ही बढ़िया चलेगी ये डिस्प्ले। ऊपर से इसके कलर्स जो है डिस्प्ले के वो भी बढ़िया देखने को मिलते हैं, वैसे 250 nits के डिस्प्ले में आपको बता दूं, ठीक है, तो कलर्स में एवरेज है पर वैसे 144Hz की डिस्प्ले है और एक ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है, थोड़े व्यूइंग एंगल्स भी एवरेज है पर 250 nits के, पर भाई 50,000 में 250 nits की मिलेगी ना, 350 nits तो आपको दे ही देंगे। सेकंड चीज़ है इसका बिल्ड और डिज़ाइन, भाई इसका डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा, ASUS की जो टफ सीरीज़ है ना वो भाई मेरे को दिल को बहुत छू जाती है, क्यों, क्योंकि भाई सबसे बढ़िया डिज़ाइन होता है, जैसे क्रिकेटर्स के जो बैट होते हैं भाई बहुत ही बढ़िया लगते हैं ना, वैसे भाई इसका डिज़ाइन और लुक्स बहुत बढ़िया लग रही है मेरे को। बहुत ज़्यादा मोटा लैपटॉप नहीं है Acer Nitro 5 सीरीज़ की तरह, वो ध्यान रखना, हैवी है थोड़ा लैपटॉप 2.2-2.3 kg का, पर चलो कोई बात नहीं। थर्ड चीज़ है इसकी कीबोर्ड, भाई कीबोर्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें RGB कीबोर्ड देखने को मिलता है, आजकल के Lenovo के लैपटॉप्स हो गए, Acer के लैपटॉप्स हो गए, वो अपने 60-70 हज़ार रुपये वाले लैपटॉप में भी RGB कीबोर्ड नहीं देते, पर भाई ASUS ने जो RGB कीबोर्ड देके भाई कमाल कर दिया ना भाई, मतलब ग्राउंड से बाहर छक्का मार दिया। ऊपर से कीबोर्ड भी बहुत बढ़िया आपको बता सकता हूँ, इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, इवन कि भाई गेमिंग में भी आप बात कर सकते हो, अगर कीबोर्ड के साथ खेलते हो अलग से कीबोर्ड लगाते हो तो भाई आपकी इच्छा है यार। और चीज़ है इसकी परफॉर्मेंस, भाई इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया, क्यों कैसे बताता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी वीडियो रेटिंग करी भाई 1080p 60fps वीडियो रेटिंग, बहुत ही मक्खन स्मूथ करता है, ब्रेड मक्खन की तरह, पर मैं गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई गेमिंग में GTA 5 में आपको 120fps के अराउंड देखने को मिलते हैं, कोई टेंशन नहीं आएगी, हीटिंग भी नहीं है भाई इसमें, ऊपर सोचो 80 डिग्री टेम्परेचर जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता, लेनोवो लॉक में 90-95 जा रहा था, इसकी बहुत बढ़िया है। मैंने साइबरपंक खेली, साइबरपंक में कोई दिक्कत नहीं, हाई एंड साइबरपंक खेलोगे तो भाई दिक्कत आएगी पर वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसमें भाई वैलोरेंट खेली और सारी गेम्स खेली, कोई भी भाई मेरे को दिक्कत नहीं आई, और इसका 50,000 के अराउंड गेमिंग एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसका RDR2 का गेमिंग रिव्यू चाहिए मेरे को बताना भाई, आपके लिए ले आऊंगा। मैंने भाई इसमें अडोबी प्रीमियर प्रो, अडोबी आफ्टर इफेक्ट सब चलाए, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई, पर 4K एडिटिंग भाई ये नहीं कर पाएगा, उसमें भाई थोड़ी दिक्कत आती है इसको, क्योंकि 50,000 रुपीज़ के RTX 2050 का 70W का आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, i5 11th gen का प्रोसेसर है, ठीक है, उस लेवल की एडिटिंग नहीं कर पाएगा 4K में, पर 1080p में बहुत बढ़िया एडिटिंग कर देगा, जैसे भाई तारक मेहता का उल्टा चश्मा में पोपट लाल कहता है कैंसिल, वैसे भाई इसकी परफॉर्मेंस में मैं थोड़ा कैंसिल भी कहना चाहूँगा, क्यों, क्योंकि भाई वो मैं आपको कौन सेक्शन में बताऊँगा, कुछ बुरी चीज़ें भी है तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलता है, थंडरबोल्ट 4 पोर्ट, भाई 50,000 में थंडरबोल्ट पोर्ट मिलना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बढ़िया चीज़ उन्होंने कर दी है। अब मैं बात करता हूँ इसकी बुरी चीज़ों के बारे में, जैसे आपको डोमिनोज या पिज्जा हट में से चूज़ करना हो तो सारे डोमिनोज ही चूज़ करेंगे ना, वैसे भाई वो चीज़ है कि पिज्जा हट में कुछ बुरी चीज़ें होंगी, वैसे भाई इस लैपटॉप में क्या बुरी चीज़ें उसका ध्यान रखते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस में भाई, परफॉर्मेंस में अगर मैं बिना चार्जिंग के चला रहा हूँ लैपटॉप तो भाई अटकता है, भाई नॉर्मल मैंने लैपटॉप टेस्ट करे, लेनोवो लॉक हो गया, Acer Nitro V हो गया, बिना भाई चार्जिंग के मेरे को पता है पूरी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है, ठीक है, पर अटकना तो नहीं चाहिए ना भाई लैपटॉप, आप सोचो जरा ऐसे, पर ये भाई लैपटॉप अटकता है। मैं इसको विंडोज़ फिर से इसकी डालूंगा, सब कुछ करूंगा तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि फिर अटक रहा है नहीं, पर इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं कुछ भी भाई ऐप ओपनिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ उसमें भाई मैं बड़ी स्क्रीन कर रहा हूँ यूट्यूब पर अपनी वीडियो, मिस्टर टेक एनालिसिस की वीडियो देख रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लेना, तो भाई अटकता है लैपटॉप, कुछ कुछ चीज़ों में अटकता है लैपटॉप को बता सकता हूँ। सेकेंड चीज़ इसकी बैटरी लाइफ इसकी इतनी वीक है ना, मतलब RCB की बॉलिंग लाइनअप की तरह जो फिटती रहती है ना, वैसी भाई इसकी बैटरी लाइफ है आपको बता सकता हूँ, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा इसकी बैटरी लाइफ नहीं चलेगी, 48Wh की सिर्फ बैटरी देखने को मिलती है, 90Wh की अगर ये बैटरी दे देते तो भाई मैं इनको किंग घोषित कर देता इस लैपटॉप मार्केट का, 50,000 आपको बता सकता हूँ। चार्ज भी 1 आवर के अराउंड हो जाएगा, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप बैटरी के साथ ही चार्जिंग के साथ ही भाई इसमें मस्त अपनी गेमिंग इन्जॉय करना, कमाल भाई, जेठालाल कहता है ना मस्त भाई, वैसी भाई इसकी गेमिंग होगी स्मूथ और एडिटिंग भी तभी अच्छी होगी, उसका ध्यान रखना। भाई थर्ड इसकी चीज़ है ट्रैक पैड बहुत ही भाई पुराने ज़माने की चीज़ें भाई अच्छी भी लगती है, ऐसी कोई बात नहीं है वो मैं बता रहा हूँ, पर कुछ कुछ चीज़ें भाई बुरी भी लगती है, जैसे ट्रैक पैड है, ठीक है, इसमें एक तो छोटा एक तो ट्रैक पैड आपको देखने को मिलता है, उसमें जो बटन है ये बहुत ही चीप क्वालिटी बटन है, सुनो आप आवाज़,
ये देखो बहुत ही चीप क्वालिटी भाई बटन देखने को मिलते हैं, तो उसमें उतनी फील बढ़िया नहीं आती है। अब कंफ्यूज हो गए, लेनोवो लॉक ले आरटीएक्स 2050 वाला, ठीक है, या लेनोवो आइडियापैड गेमिंग ले, एसुस F15 ले, भाई कौन सा लैपटॉप ले? भाई मैं आपको बता सकता हूं, अगर आपको लेनोवो लॉक आरटीएक्स 2050 55 के राउंड मिल जाता तो डेफिनेटली लेनोवो लॉक लेना। भाई लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 राइजन 5 से कंपेयर करूं मैं इसको i5 11th gen एसुस F15 वाले को, तो भाई एसुस F15 बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है, बेटर बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, 8GB कीबोर्ड देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से एसुस वाला ज्यादा बेटर रहेगा। एसर नाइट्रो वी आरटीएक्स 2050 आपको मिल जाता है भाई 55 के राउंड तो ही लेना, 60-65 में फिर लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 3050 वाला आ जाता है, या एसुस F15 3050 वाला। पर लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 3050 अगर आपको 60 के राउंड मिल जाता है तो भाई वो प्रेफर करना। तो भाई आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो भाई दिल टू दिल कनेक्शन बनाओ, एक कमेंट करके मेरे को बता दो। आपको और कुछ चीजें जाननी है तो ये वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूं आपको ऐसी बहुत ही बढ़िया नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।